यहाँ से पद्म डुंगरी 4 किलोमीटर है, तो देखते हैं वहां पे, चल देते, देख लेते हैं वो भी, इको टूरिज्म जैसा ही है पद्म डुंगरी पे। पार्किंग ये आ गया। पदम दुंगड़ी, इको टूरिज्म डुंगरी, ये रहा उसका गेट, ये रहा उसका गेट। चलो पार्किंग में गाड़ी रखते फिर अंदर चलते। ये रहा गेट, एंट्री गेट, और यहाँ से अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ दुकान आ जाएगा, वहाँ आपको थोड़ी बहुत थोड़ी मोटी शॉपिंग करने की हो जाएगी। क्या है, शैम्पू वगैरह या कुछ होगा भाई जो भी। एंट्री गेट है और यहाँ से शुरू होता है पदम डुंगरी इको टूरिज्म। चलो चलते हैं। इको टूरिज्म में आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे रेंट पे नाइट होल्ड करने के लिए रूम मिल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया रूम होते हैं, रूम लेके आप नाइट स्टे कर सकते हो। पता है ये देखो प्ले एरिया, यहाँ से टिकट 80 रुपये टिकट है यहाँ का, और ये खेल सकते हो। चलो नजारे, क्या सुंदर नजारे है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना। चेक डैम से ऊपर से नीचे पानी गिरता है, और यहाँ नहाने का क्या बढ़िया मजा आता है होगा ना। आज अपन नहीं रुकेंगे, दूसरी बार आएंगे फैमिली के साथ, पूरे फैमिली के साथ वापस यहाँ रुकेंगे। ये कुदरती सौंदर्य के बीच में रहने का जो मजा है वो बहुत अलग है। फिर से आएंगे यहाँ स्टे करने के लिए, रुकेंगे जरूर एक दिन। ये रूम बुकिंग ऑफिस है। ये देखो क्या बढ़िया है ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया रूम आपको यहाँ मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है ना रूम बाहर से, तो अंदर से भी इतना ही खूबसूरत है। बंद है इसीलिए मैं अंदर से दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता आपको। बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया रूम है। रूम के अगल बगल में आप ग्रीनरी चेक कर सकते हो, कितना बढ़िया ग्रीनरी है। देखो कितने सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया मजा आएगा यहाँ पे। एकदम शांति यहाँ पे, जो मजा है ना भाई, बहुत बढ़िया मजा है भाई। सिटी से दूर शांत जगह पे, और ऐसे पानी का आवाज आप सुनो, क्या बढ़िया आवाज आ रहा है ना। और पशु पक्षी में, जंगल में रहने का क्या मजा है, बहुत मजा है। देखो जुकाम हो गया आज, पता नहीं क्यों यार जुकाम जैसा लग रहा है। छोटे छोटे प्लांट है अंदर, ये देखो इसमें भी प्लांट है छोटे छोटे, देखो है ना, नाम भी लिखे हुए। यह बंद हो गया है, लेट हो गए ना अपन, इसलिए बंद है। ये भी बंद हो गए, देखो के रह जाते, बट कल काम बहुत सारा है, बहुत काम पेंडिंग है, इसके वजह से नहीं रुक सकते, नहीं तो रुक जाते यहाँ पे। बहुत मजा आ गया मुझे तो, मन हो गया है रुकने का पूरा। फिर से एक बार आएंगे यहाँ पे, रुकेंगे पूरे नाइट, और ये कुदरती नजारे का एंजॉयमेंट करेंगे। चलो चलते हैं अभी, अंदर बहुत अंदर है।
ये देखो रास्ता सीधा अंदर अंदर इको टूरिज्म में ही जाएगा, पूरा वन विभाग है यहाँ पे। आरोग्य वन है वहां पे, वनस्पति अलग अलग वनस्पति उसमें है, पूरे अंदर वनस्पति है। और ये देखो महुड़ा, महुड़ा के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। चलो चलते हैं अभी बाहर, बस इतना ही है। यहाँ एक आरोग्य केंद्र, इको टूरिज्म, और वहां नहाने के लिए एक जगह है, बस इतना ही है पद्म डुंगरी में। चलो चलते हैं अभी बाहर, 4:30 हो गया है, फटाफट निकलते हैं, जाना भी बहुत दूर है अपन को। देखो नदी और जंगल का व्यू, ये पूरा जंगल है और बीच में नदी जा रही है, देखो क्या बढ़िया नजारा है ना। और ये पुल देखो वहां अंदर कनेक्ट करता है जंगल में, वहां जंगल शुरू है, पूरा जंगल ही है समझ लो ना। चलो चलते हैं यहाँ से सीधा कर। अभी आपका अपना घर का डिस्टेंस 70 किलोमीटर जैसा बचा है, बीच में बारडोली आता है, तो बारडोली चाय पीने का मूड है, चाय पीते हैं वहां पे, रुकते हैं। थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी, आंखें भारी भारी होने लगी, तो चाय एक बार पी लेते वहां पे। ऐसे बहुत मजा आया, आज का दिन बहुत बढ़िया गया है मुझे। और आप लोग कमेंट करके ये बताना कि ये फोन अपना होल्डर लाके लगा दिया है गाड़ी पे, व्यू कैसा आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता देना, आपको ये व्यू कैसा लगा। पलसाना पहुंच गए, पलसाना हाईवे पे, सनसेट देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो चेक पोस्ट आ गई, यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के पलसाना भेज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चिल्ड्रेन बाय बाय, टेक केयर। पदम डुंगरी बहुत मजा आ गया इको टूरिज्म में, आप लोग भी जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।